अरे वक्त है कम लंबी मंजिल तुझे तेज कदम चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल अकेला अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आपने नवरात्र का पर्व मनाया, दशहरा भी मनाया, अब आप लोग टाइम बर्बाद करना बंद करें। जी हाँ, आपके पास समय बहुत कम है और कोर्स बहुत ज्यादा है। एग्जाम 4 महीने बाद आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोगों को पढ़ाई ज्यादा करनी है, समय बर्बाद कम करना। बहुत लंबी मंजिल है, आपको बहुत तेजी से चलना पड़ेगा, तभी आप उस मंजिल पर पा पाएंगे। हाँ, हालांकि जो है कोरोना वैश्विक महामारी ने हर वर्ग को प्रभावित किया है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, और खासकर जो विद्यार्थी लोग हैं उनको तो सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि सबसे लास्ट में विद्यालय ही खुले हैं और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो हमारे छात्र ही हैं। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन उनसे हम लोग को लड़ना है, उनसे हम लोग को डटकर मुकाबला करना है, और अंत में विजय हमें अपनी लेके आनी है। ठीक है दोस्तों, तो और जो पहली बार अखिल बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, उनसे मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 7.3 समाकलन में एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। और इस प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह इस समाकलन को, जिसमें साइन और कॉस डिफरेंट टाइप के दिए हो, हम लोग कैसे उन लोग को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो लोग नए हैं वो उनसे मैं कहूंगी पिछली वीडियो उसमें मैंने 7.2 तक कंप्लीट कर दिया था, तो उसको भी वो लोग जरूर देखे, क्योंकि समाकलन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। ठीक है, तो चलिए 7.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और 7.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके फॉर्मूले हैं जो इस प्रश्नावली में अप्लाई होंगे, उनको हम लोग देख लेते हैं और उनको आप लोगों को लर्न करना है। लर्न कैसे करना है इसकी मैं ट्रिक भी आप लोगों को बता दूंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और आप बहुत डिफरेंट टाइप के जो समाकलन है वो आप लोग आज सीखेंगे, और ये समाकलन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर के बाद यदि आप जेई मेंस या एडवांस की तैयारी करेंगे तो वहां पे समाकलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो इसलिए आपको फिर पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.3 से में कुछ फॉर्मूले हैं जो अप्लाई होंगे, वो क्या क्या फॉर्मूले हैं देख लेते हैं हम लोग। चलिए, जैसे आप लोग जानते हैं cos 2x बराबर, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो पहला फॉर्मूला क्या है, 2 cos² x - 1। तो यदि मैं यहां से cos² x का मान निकालूं तो क्या मिल जाएगा मुझको, 1 cos 2x / 2, ये मिलेगा ना मुझे फॉर्मूला। हाँ सर, एक फॉर्मूला ये मिल जाएगा। दूसरा cos 2x का फॉर्मूला एक और होता है, साइन के पदों में क्या होता है, 1 - 2 sin² x होता है सर। तो अगर मैं यहां से sin² x निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 - cos 2x / 2, ये मुझको यहां से sin² x मिल जाएंगे। तो समाकलन में जहां कहीं भी sin² या cos² आएंगे तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? हाँ, इनको हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, साइन है, कॉस है, कॉस है, कॉस भी, सारे फॉर्मूले हैं, ये चार फॉर्मूले, इनको भी आप लोग देख लें। पहले हम लोग बात करते हैं साइन वाले, कैसे, 2 sin A * sin B इसकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे 2 cos A * cos B, cos की बात करेंगे, फिर 2 sin, पहले है 2 sin A * cos B की बात करेंगे, फिर लास्ट में 2 cos A * sin B। ये चार फॉर्मूले हम लोग इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो साइन साइन, कॉस कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन। तो इसमें साइन में देखिए,
यदि एक ही जैसे हो, साइन साइन हो या फिर कॉस कॉस हो, तो यहां पे कॉस ही आता है। अब यहां पे साइन है तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला। अब कॉस कॉस से ए भी कॉस नहीं रहेगा तो सिंपल प्लस में हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। क्लियर दोस्तों? ठीक सर। अब साइन कॉस, कॉस साइन मिक्स में है तो ये साइन में आते हैं, तो पहला यहां पे साइन पहले है तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर? ये हो जाएगा। अब यहां पे मिक्स में ये भी साइन में आएगा तो ये साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूले हैं, इनका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इन्हें लर्न कैसे करना, याद कैसे करना, इनको भी देख लीजिए, ये भी है आसान। याद करने के लिए यदि साइन साइन या कॉस कॉस हुआ करें, इस टाइप से हुआ करें, तो आप लोगों को यहाँ पे कॉस कॉस आएगा, दोनों जगह कॉस कॉस आएगा और पहले में ए प्लस बी आता है, दूसरे में ए माइनस बी आता है। अब देखिए यहाँ पे साइन साइन है, आना है कॉस, इसका मतलब आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, माइनस कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। अब कॉस कॉस यहाँ पे है, कॉस में आना है तो कॉस में यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, तो सारे प्लस के रहेंगे, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब जो यहाँ पे मिक्स में है, साइन कॉस कॉस साइन है, तो साइन साइन में आएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए माइनस बी। अब बीच में चिन्ह देख लीजिए, यदि पहले साइन है तो प्लस रहेगा, यदि पहले कॉस है तो माइनस रहेगा। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आपकी जो भी ट्रिक है, मतलब ओवरऑल आपको इन फॉर्मूलों को लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर वन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है समाकलन निकालना है हमको साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका हमको समाकलन निकालना है। ये लो सर, इसका बताइए। तो यदि देखो यहाँ पे स्क्वायर ना होता तो इसका डायरेक्ट समाकलन हम लोग कर देते। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो जैसे हम लोग अवकलन में करते हैं कि पावर का पहले कर दिया, फिर पावर की जो अंदर है तो उसका समाकलन कर दीजिए, तो वैसे समाकलन में नहीं करते कि पहले मैं इसका पावर कर दू समाकलन, फिर बाद में अंदर का समाकलन कर दू, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको इसकी जो पावर है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, पावर को हटाना पड़ेगा, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे पावर फोर हो, कुछ भी हो, इन सारी पावर को हम लोग को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग माइंड में रखिए। अब हम लोग इसको कम कैसे करेंगे, हम लोग इसके द्वारा कम करेंगे। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर, यदि कोई स्क्वायर में है तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर था लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। जब आप सवाल लगाएंगे तो आप लोग सारी चीजें समझ जाएंगे। चलिए तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हटाना पड़ेगा इसको। अब जब यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो आप क्या जानते हैं, यहाँ से देखिए हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सर 1 cos 2x / 2, ये होता है। मतलब जो चीज यहाँ पे होती है वो चीज यहाँ पे आती है, ये चीज ध्यान देना, जो चीज यहाँ पे होगी वो चीज यहाँ पे आएगी। ऐसे मुझे मान निकालना है इसका, तो यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका मान निकालना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 cos 2, ये लिखा हुआ है। अब जहां पे ये x है तो मैंने यहाँ पे x था, तो यहाँ पे 2x + 5 है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2x + 5 / 2, थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 1 cos 2 का मल्टीप्लाई तो 4x + 10 / 10 / 2। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस करो तो समाकलन हो जाएगा 1 cos 4x + 10 / 2 dx, इसे समाकलन करना। चलिए 1/2 बाहर कर लीजिए, तो 1/2 बाहर कर लेंगे हम लोग और इसका अलग अलग कर दीजिए, 1 dx हो जाएगा, माइनस का समाकलन cos 4x + 10 dx, ये देखिए 1/2 पूरे से बाहर हो गया, अलग अलग करेंगे तो 1 का ही आ जाएगा, माइनस लगाएंगे cos तो ये हो जाएगा। अब समाकलन क्या होता है इसका देखिए, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा,
ये तो सब मालूम है, वर्क हो जाएगा एक्स, इसका समाकलन जाते क्या मिला आपको कॉस, तो कॉस का समाकलन क्या होता है साइन, तो कॉस एक्स का साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x प्लस का 10, ये हो गया। अब जाते कॉस को तो आपने साइन कर दिया, अब कॉस के अंदर क्या लिखा हुआ है 4x प्लस का 10, तो इसका अवकलन नीचे करते हैं तो बटे में इसका अवकलन क्या जाएगा सर 4 आएगा, हाँ ठीक है, प्लस का सी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, क्लियर। हमने एक्सरसाइज 7.1 में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर इस तरह के सिंपल फंक्शन है तो जाते कॉस मिला, कॉस तो हो गया साइन, जो अंदर है वो अंदर लिखेंगे और जो इसके अंदर होता है उसका नीचे जाके अवकलन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं क्योंकि हम उसको टी मानते हैं, आप लोग उसको टी मान के भी कर सकते हैं, यदि ये सवाल सिंपल में आता है तो इसको आप लोग टी मानेंगे तब फिर इसका आंसर ये आएगा, यदि कोई बड़ा सवाल है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करना है तो आप लोग टी मत मानिए, सवाल बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट इसको आंसर ऐसे रख सकते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पर, इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है आ जाते हैं, 2020 में एक सवाल आया भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है, समाकलन साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx, सिंपल है। अब देखिए यहां पे है 3x यहां पे है 4x, तो हम किसी को t माने तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, यदि यहां पे 3x है यदि यहां पर भी 3x होता तो इसको मैं t मान लेता फटाफट काम हो जाता, यदि इस तरह में हो कि यहां पे अलग हो और यहां पे ये चीज अलग हो तो आप लोगों को इन्हीं फॉर्मूलों के बारे में सोचना है, क्लियर, आप लोगों को इन्हीं फॉर्मूलों के बारे में सोचना है। अब ये किसमें है, ये साइन कॉस में है, मिक्स में है तो साइन में ही आएगा, जरा इसमें लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 2 है ना तो 2 से गुणा 2 से भाग कर लीजिए तो ये हो जाएगा समाकलन 1/2 यानी दिया 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx, 2 से गुणा 2 से भाग, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में 2 पहले होता है, अब यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस बी मिक्स में साइन में आएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो ए क्या है आपका 3x प्लस का 4x ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी मतलब क्या 3x माइनस का 4x का होल क्या हो जाएगा ये आपका dx। चलिए सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 समाकलन ये हो जाएगा आपका साइन 7x प्लस ये हो जाएगा आपका साइन माइनस का x और पूरे क्या हो जाएगा dx और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो 1/2 समाकलन ये हो जाएगा साइन 7x माइनस का साइन x इंटू dx, अब इसको अलग अलग कर लीजिए तो 1/2 ये रहा समाकलन साइन 7x माइनस का dx माइनस का साइन x इंटू dx। चलिए अब क्या करते हैं इसको समाकलन कर दीजिए तो 1/2 साइन का समाकलन माइनस का तो माइनस का cos 7x और अपॉन नीचे हो जाएगा अवकलन 7, इसका यहां से साइन का हो जाएगा माइनस का cos तो ये प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा cos x और प्लस का c, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का कॉस 7x अपॉन 14 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, कहीं पर भी देखिए स्क्वायर में आएगा 7.3 में आप लोग क्या सीखेंगे वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यदि कहीं भी स्क्वायर हो क्यूब हो पावर 4 हो 5 हो तो उनको रिड्यूस करना है, उन्हें कम करना है और सिंपल बनाना है बिना पावर का, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, यदि साइन कॉस में है तो यदि देखिए यहाँ पे 3x है यहाँ पे 4x है तो ये अलग अलग है तो आपको इन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करना होगा, ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 3 हो जाता आपका तो ये सवाल ऐसे में रखता है 2 लाइन का सवाल होता है, इसको आप लोग टी मान लेते फटाफट इसका आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है अलग है डिफरेंट है तो आप लोग को इस तरीके से सवालों को करना पड़ेगा, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो सवालों को नहीं लगा पाओगे, क्लियर, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग क्योंकि हमने टाइम बीच में काफी गैप हुआ है लेकिन अब कोई गैप नहीं होगा, नवरात्र हम लोगों ने मना लिया, माता जी की विदाई कर दी, दशहरा में हमने जो है
पान वान खा लिया, दोस्तों से मिल लिया, सब यारी दोस्ती सब निभा ली, लेकिन अब सब चीजें बंद, लगातार कंटिन्यूली क्लास करनी है आप लोगों को, फटाफट जल्दी से आप लोगों को सिलेबस पूरा करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू आपका। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, लॉन्ग में आएंगे, बड़े सवाल होते हैं ये, तो ज्यादा बड़े भी नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में तीन चीजें दी हैं, क्या है, समाकलन cos 2x, फिर cos 4x और फिर है cos 6x into dx। ये लो सर, इसको बताइए जरा, ठीक है, ठीक है। यदि देखो फॉर्मूला, तीन का फॉर्मूला तो होता नहीं है, दो में ही फॉर्मूले होते हैं, तो हम क्या करते हैं किन्हीं दो को एक साथ कर लेते हैं। अब दिक्कत ये कि सर किनको एक साथ करें, ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप लोगों को, आप ऐसे दो चीज लीजिए जिनको जोड़ने पर आधा करें तो वो संख्या मिल जाए। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x है, जोड़िए तो 6 2 8, 8 का आधा कितना हुआ 4, ये देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मतलब उन दो चीज को लेनी है जिनको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ करके दो का भाग करेंगे, दो का भाग करने पर जो मिलेगा उसको हम लोग अलग रख के बाकी उन दो को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, cos 4x को आप बाहर रख लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए cos 2x into cos 6x into dx। चलिए अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो होना चाहिए, तो हमने क्या किया, दो से गुणा कर, दो से भाग कर दिए, दो से गुणा कर दिए। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फट से, तो यहाँ पे जाएगा cos 4x, अब देखिए यहाँ पे cos cos है, ठीक है, एक जैसे है तो एक जैसे में cos आता है, दोनों में cos आएगा, तो देखिए यहाँ पे जाएगा cos a plus b, तो 2x plus 6x plus cos a minus b, ये आ गया into dx, तो 1/2 समाकलन, ये जाएगा cos 4x, यहां से क्या हो जाएगा cos 6 2 8 8x, और यहां से प्लस मिलेगा हमको cos, घटाएंगे तो माइनस का 4x, ठीक है, इंटू डीएक्स, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो 1/2 समाकलन cos 4x, यहां पर जाएगा cos 8x प्लस का cos 4x इंटू डीएक्स, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 1/2 समाकलन cos 4x इंटू cos 8x प्लस क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो cos स्क्वायर 4x इंटू डीएक्स, क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पे फिर से देखिए वही चीज बन गई, दो भी दो चीज में आ गई, अब यहां पे 4 है यहां पे 8 है, तो इसको फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करें cos इंटू cos b का, अब यहां पे देखिए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग किसमें सिंपल में चेंज करेंगे, देखिए कैसे चेंज करेंगे, जानते हैं आप लोग क्या जानते हैं, cos स्क्वायर x बराबर, मैंने फॉर्मूला बताया है 1 plus cos 2x upon 2, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 4x चाहिए, तो जहां पे x है वहां पे क्या कर दें 4 रख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 4x इक्वल टू 1 plus cos 2, तो ये लिखा हुआ है, अब जहां पे x है वहां पे क्या करना 4x, तो ये हमने 4x कर दिया अपॉन 2, सॉल्व करेंगे इसमें तो 1 plus cos 8x आ जाएगा अपॉन 2, तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो तो सबसे पहले इसमें लगाते हैं, देखिए यहां पर लगाने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दो से गुणा दो से भाग करना पड़ेगा, क्लियर। तो देखिए तो मैंने क्या किया, दो से गुणा दो से भाग किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, गुणा वाला मैंने यहां ले लिया, तो 2 cos 4x इंटू cos 8x, और यहां तो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 cos² x, और यहां क्या कर दें हम लोग dx कर दें। चलिए इसमें लगाइए फॉर्मूला, तो 1/4 ये हो जाएगा cos cos है, cos में जाएगा तो cos a plus b, तो 8 4 12x, ठीक है, ठीक है। अगला प्लस cos a minus b, तो cos 4 - 4 तो प्लस कर देगा, प्लस का 4 इसका ये आ जाएगा, प्लस इसका मान ये रखना है तो 2 है, तो यहां चलिए रख दीजिए, अगर 2 यहां रखा है इसका मान क्या है 1 plus cos² 8x upon 2, ये दीजिए, ठीक है,
इंटू डी एस। अब क्या करेंगे, ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन फोर समाकलन क्या क्या बचा यहाँ से, कॉस 12x प्लस कॉस 4x प्लस वन प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 8x इंटू डी एस। चलिए सबको अलग अलग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 ये रहा आपका, तो क्या करना है हमको, समाकलन cos 12x dx प्लस समाकलन cos 4x dx प्लस समाकलन 1 इंटू एक्स प्लस cos 8x इंटू dx। चलिए ये करना है, तो क्या जाएगा आंसर, cos क्या होता है sin x, तो ये हो जाएगा 1/4 इसका हो जाएगा समाकलन sin 12x और नीचे क्या आ जाएगा 12 क्योंकि नीचे वाले का समाकलन अवकलन होगा नीचे प्लस cos का यहां पर भी sin, तो ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस इसका मान कितना आ जाएगा x और प्लस उसका मान कितना आ जाएगा sin 8x अपॉन 8 और प्लस का c, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह की ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के हम लोग इन सवालों को करते हैं। यदि कहीं भी आपको तीन चीजें हैं, तीन चीज आपको दी हुई है, तो वहां पे आप किन्हीं दो को ले लेंगे। अब किन दो को लेंगे, जिनको आपस में जोड़ने पर उसका आधा करेंगे तो जो लिखा होगा वो मिल जाएगा आपको, जिनको आपने एक साथ कर लिया। ठीक है, बाकी इसमें अप्लाई किया फिर इसको मल्टीप्लाई कराया, स्क्वायर में बना, इसको मैंने पावर को रिड्यूस कर दिया, इसका मान फिर से अप्लाई किया, ये आया, सिंपल सॉल्व करके अलग अलग समाकलन करके आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही इस तरह के हम लोग क्वेश्चनों को इनको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। है ये लोग बहुत आसान सवाल है, फटाफट इनको हमको करना है। ठीक है, ज्यादा अगर आपने एक बार इस प्रश्न वाले को लगा लिया आपने, तो फिर ये सवाल आप लोगों को नहीं भूलने वाले। चलिए आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 समाकलन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डीएक्स। लो सर इसे करना है। ठीक है, तो इसे करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, क्यूब है, तो मैंने कहा था यदि पावर में कुछ भी उसको हटाते हैं, तो क्यूब हम लोग कैसे हटाएंगे, चलिए इसको मैं देखो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 स्क्वायर में अलग कर लिया तो एक साइन बचा, तो मैंने साइन लिख दिया साइन 2x प्लस 1 इंटू डीएक्स लिख दिया। अब यहां पे साइन यदि मुझे यहां पे कॉस मिल जाए तो उसको मैं टी मान लूंगा, तो स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ये, और यहां पे आपको क्या लिखा है साइन 2x प्लस 1 इंटू डीएक्स लिख सकता हूं मैं। इसको मैंने स्क्वायर और सिंपल में चेंज कर लिया, स्क्वायर को मैंने कॉस में मैंने बदल दिया, ये सिंपल आ गया। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि cos 2x प्लस 1 बराबर मैं क्या मान रहा हूं, t मान रहा हूं, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, तो x क्या है 2x प्लस 1 इंटू, अब इसका अंदर क्या होगा अवकलन, तो 2x का अवकलन क्या जाएगा 2 इंटू dx बराबर dt, तो यहां से सिंपल sin 2x प्लस 1 dx बराबर क्या जाएगा माइनस 2 बट्टे में आ जाएगा, तो dt अपॉन माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन 1 माइनस इस पूरे का मान क्या t माना है, तो 1 माइनस t स्क्वायर इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा dt अपॉन माइनस का 2, चलिए माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, तो 1 माइनस t स्क्वायर इंटू dt अलग अलग कर देते हैं, तो माइनस 1/2 ठीक है समाकलन अलग अलग कर देते हैं, तो समाकलन 1 इंटू dt माइनस का समाकलन t स्क्वायर इंटू dt, जहां से जब आप लोग कर लेंगे आप लोग बहुत होशियार हैं, इसका हो जाएगा t, इसका हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 क्योंकि x की पावर n से करते हैं। चलिए t का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, t का मान क्या है cos 2x प्लस का 1 माइनस का cos क्यूब में हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन
थ्री और प्लस का सी, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, तो माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस का वन, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कॉस क्यूब टू एक्स प्लस वन अपॉन तीन दुनी छह प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं यदि क्यूब में है तो आप लोग इस तरह कर लेंगे, ठीक है। आप लोग क्यूब का कोई फॉर्मूला है नहीं है, इसका भी है फॉर्मूला, साइन थ्री एक्स में आप जाइए तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत इजी तरीका है इसलिए ये ज्यादा आसान है। ये सवाल आपको बड़े इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं सारे स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए सवाल आप लोगों को बड़े लग रहे होंगे, ठीक है। लेकिन है बहुत आसान सवाल, एक बार आप लोग सवाल लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि सवाल आपको समझ में आते हैं तो भी बताना है, नहीं समझ में आते तो भी बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताना ही बताना है, क्लियर। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए करिए इसका भी, बाद में आप लोग फेयर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में आता है, आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर इसमें तो बहुत सारी क्यूब लगे हैं, अभी तो इसमें तो एक ही क्यूब था तो इतना बड़ा सवाल हो गया, अब इसमें तो दो दो क्यूब लगे हुए हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई नहीं, क्यूब से डरना नहीं है, ठीक है। देखिए क्यूब क्या है, कहीं पर भी क्यूब कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए पांचवा देखते हैं, क्या है समाकलन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डीएक्स, ये क्वेश्चन है। अब क्यूब है तो क्यूब को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस साइन को मैंने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, इस क्यूब को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ऐसे मैंने यहां पर भी किया था साइन स्क्वायर और साइन में चेंज कर दिया था, ऐसे मैंने यहां पर भी साइन को दो पार्ट में चेंज कर दिया। तो कुछ नियम है जो मैं एक ही तरीके से करता हूं, ये सवाल को कॉस में चेंज करोगे तो भी कॉस वाला नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ही तरीके बताता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉस इसको कॉस में चेंज कर लो, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस वाला इसके पास में लिख लो तो कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, क्लियर। अब यहां पे कॉस को आप टी मान लीजिए, क्योंकि देखिए टी मानेंगे तो डीएक्स ये तैयार खड़ा है हटने के लिए, तो यदि मैं यहां पे कॉस एक्स बराबर क्या मान लू टी, तो इसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, तो साइन एक्स डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी टी। चलो पुट करिए यहां पे, तो हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, क्योंकि कॉस क्या रखते हैं हम लोग को टी, और ये डी टी लगा तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी, माइनस बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा टी का मल्टीप्लाई कर दे टी क्यूब का, तो टी क्यूब माइनस का टी की पावर क्या हो जाएगा फाइव, मल्टीप्लाई करने में क्या होती है पावर एड जाती है, तो ये हुआ इंटू डी टी। चलिए तो अलग अलग कर लीजिए, माइनस का ये हो जाएगा समाकलन टी क्यूब इंटू डी टी, माइनस का समाकलन टी की पावर फाइव इंटू डी टी, एक्स पावर एन से कर दीजिए तो जाएगा टी की पावर फोर अपॉन फोर माइनस का टी की पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस का सी, टी का मान रख दीजिए तो माइनस का कॉस की पावर फोर एक्स अपॉन फोर माइनस कॉस की पावर इसका प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का तो कॉस की पावर सिक्स एक्स अपॉन सिक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। नहीं क्वेश्चन नंबर फाइव है तो कोई नहीं, क्यूब से डरना नहीं है आपको, यदि क्यूब है तो आप साइन को पकड़ा लीजिए, साइन को स्क्वायर में चेंज कर दिया और सिंपल में चेंज कर दीजिए, और क्योंकि जो साथ में कॉस होगा तो वो डी टी में उसमें काम आ जाएगा, तो इस तरह से आप इन सवालों को भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, जल्दी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं इसलिए कोई भी ब्रेक नहीं लेना आप लोगों को, क्वेश्चन आप फटाफट समझ लिया करें, उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर आगे फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो, क्योंकि अकेले अकेडमी का ये की लेक्चर सिखा कर रहना है आप लोगों को, ठीक, कम समय में ज्यादा काम करना है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, सर छठवां सवाल क्वेश्चन नंबर तीन के जैसा है,
आप खुद कर सकते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए इसको फिर से मैं लगा देता हूँ, साथ ही यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा आपका और क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। क्या है समाकलन साइन एक्स, फिर क्या है साइन टू एक्स, और फिर क्या है साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स, इसको लगाना है। तो यहाँ पे कोई स्क्वायर या क्यूब तो है नहीं है कि उसको कम करेंगे, नहीं है सर, लेकिन सब क्या है मल्टीप्लाई में है और सभी साइन साइन है और एंगल भी क्या है इनके डिफरेंट है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूले में दो को लेते हैं हम लोग, तो इन तीन में से दो कैंसिल करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि किन्हीं दो को लीजिए जिसको जोड़ करके आधा करने पर दूसरी चीज मिल जाए। देखिए यहाँ पे एक्स और थ्री एक्स को जोड़िए, तीन एक चार, चार का आधा दो, ये देखिए दो लिखा है, दो को अलग कर लीजिए, तो समाकलन साइन टू एक्स ये रहा, यहाँ पे आप ले लीजिए साइन एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, इनको आप लोगों ने एक साथ ले लिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो होना चाहिए, तो मैंने क्या किया दो से गुणा किया और दो से भाग कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम बन गया। हाँ ठीक है, काम बनाने के लिए सारे काम करते हैं हम लोग। चलिए लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे, तो वन बाई टू समाकलन क्या लिखा है साइन टू एक्स, और दोनों साइन साइन है तो किसमें जाएगा, एक जैसे होते तो कॉस में जाता है, साइन तो उल्टा भी हो जाएगा, माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो तीन है चार, और प्लस का कॉस ए माइनस बी, तो एक्स माइनस थ्री एक्स कितना आएगा माइनस को टू एक्स, और कॉस माइनस को खा जाता है, बहुत भूखा होता है माइनस के लिए, तो ये आया, तो यहां से क्या बना वन बाई टू समान, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो माइनस का कॉस फोर एक्स इंटू साइन टू एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स, ये लीजिए आ गया, ठीक है। अब हम इनको देखो फिर से अप्लाई करें, क्योंकि अभी अभी भी कम नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे दो दो में चल रहे हैं, तो अब यहाँ पे फिर से अप्लाई कीजिए, फिर से मैं दो का गुणा दो का भाग कर दूं, हाँ कर दीजिए सर, तो वन बाई फोर ये आया, तो माइनस पे हो जाएगा क्या हो जाएगा टू कॉस फोर एक्स इंटू साइन टू एक्स, यहां भी टू आ गया प्लस टू यहां भी आ जाएगा, तो टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स, ये लीजिए ठीक है इंटू डी एक्स। अब यहां पे अप्लाई करिए टू कॉस ए इंटू साइन बी, अब देखिए मिक्स में है तो किसमें जाएगा ये मान से लगा रख दीजिए टू कॉस ए साइन बी, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला मिक्स में साइन में जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी सिक्स एक्स, और माइनस आता है साइन ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा, हाँ सर। अब प्लस ये देखिए साइन टू ए है लिखा हुआ है, देखो टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है ना, क्या आप लोग जानते हो साइन टू ए बराबर क्या होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे ए आता है, तो यहाँ पे टू एक्स तो यहाँ पे क्या जाएगा फोर एक्स, तो किसका फॉर्मूला लिखा डायरेक्ट ये लिखा हुआ है साइन फोर एक्स का फॉर्मूला, ये डायरेक्ट पूरा किसका फॉर्मूला लिखा है साइन फोर एक्स का। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का, तो वन बाई फोर समाकलन ये हो जाएगा माइनस का साइन सिक्स एक्स, ये हो जाएगा प्लस का साइन टू एक्स, और प्लस का यहाँ पे साइन फोर एक्स, और पूरे का डी एक्स, तो ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, सबको अलग अलग कर दीजिए आंसर आ जाएगा, तो वन बाई फोर अलग है तो ये हो जाएगा समाकलन माइनस का साइन सिक्स एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन साइन टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन साइन फोर एक्स इंटू डी एक्स, क्या होगा साइन क्या होता है समाकलन माइनस का कॉस एक्स, तो वन बाई फोर इसका हो जाएगा माइनस ये लगा हुआ है तो माइनस का कॉस सिक्स एक्स, और सिक्स के नीचे क्या हो जाएगा अवकलन ये आ गया, प्लस इसका हो जाएगा माइनस का कॉस टू एक्स अपॉन टू, यहां पर हो जाएगा माइनस का कॉस फोर एक्स अपॉन फोर, और पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का सी, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए चाहे मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस का हो जाएगा तो कॉस सिक्स एक्स अपॉन छह चौको चौबीस, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा कॉस टू एक्स अपॉन चार दूनी
आठ, ये भी हो जाएगा माइनस का कॉस 4x अपॉन 4 × 16 प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 था वैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। 3 में आपके सारे cos cos दिए थे, यहाँ पे आपके सारे sin sin दिए हैं। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है बहुत आसान, ये आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, तो इसे आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, इसमें जो है कोई भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तो ये 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग और कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रश्नावली को फिनिश करूंगा। क्लियर, तो चलिए 2 क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं हम लोग, और इन सवालों को आप लगाइएगा, हल्के मत लीजिएगा, इससे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ फॉर्मूले हैं उनको आपको लर्न करना है, फटाफट आपका आंसर निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 7वां आपका होमवर्क है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डीएस, इसका समाकलन करना है। कोई नहीं, अब देखिए जैसे कॉस आप जब क्या जानते हैं, कॉस 2x बराबर, मैंने आपको बताया था क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये मैंने बताया था। अब यदि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x आता है, अब यदि मैं यहाँ पे cos x कर दूं, मतलब cos x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ हो जाएगा माइनस का माइनस, यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बाई 2, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x, ऐसे यहाँ पे अप्लाई करो तो यहाँ पे cos 1 माइनस cos को चेंज करना है किसमें, जिससे ये 1 कट जाए। तो चलिए तो हम लोग क्या, 1 ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा। तो कॉस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में और दूसरा कॉस में, एक ये भी होता है कॉस एक्स का फॉर्मूला, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो ऊपर मुझे साइन रखना पड़ेगा तभी तो जाके कटेगा 1, और नीचे वाले को 1 काटना है तो मुझे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये जाके हटेंगे, हाँ सर तभी तो हटेंगे। अब ये 1 से 1 कट गया, ये 1 से ये 1 कटा, फिर ये 2 से 2 कटा, तो क्या हो जाएगा समाकलन sin स्क्वायर x बाई 2 बटे cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। अब क्या बन गया tan, तो क्या बना tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। अब याद करिए मैंने बताया था कहीं भी यदि tan स्क्वायर आता है तो उसको sec स्क्वायर में चेंज करते हैं, इसे मैं क्या दे सकता हूं समाकलन sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 इंटू dx, अलग अलग कर दीजिए तो समाकलन ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx माइनस समाकलन 1 इंटू dx। इसका क्या हो जाएगा समाकलन sec स्क्वायर को होता है tan x, तो tan x बाई 2 ये तो आ गया, अब इसके अंदर भी क्या है x बाई 2, तो बटे में जाएगा इसका अवकलन, तो x बाई 2 का अवकलन क्या आएगा 1 बाई 2, हाँ सर 1 क्या हो जाएगा x प्लस का c, ये 2 ऊपर चला जाए तो आंसर आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस का x प्लस का c, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो sec स्क्वायर x का होता है tan x, तो आपने x यहाँ पे x बाई 2 तो आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे जो चीज होती है उसका आकलन नीचे आता है, अब यदि यहाँ पे सिंपल sec स्क्वायर x होता तो भी tan स्क्वायर x करते हैं और नीचे जो है x का आकलन क्या हो जाता 1, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो इसलिए जो भी चीज यहाँ पे होती है उसका आकलन नीचे जरूर किया करिए आप लोग। तो 1 बाई 2 यहाँ पे है, 2 ऊपर पहुंच गया, तो 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस सी, ये आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है ये सवाल, एक बार यदि आपने इस प्रश्नावली को लगा लिया तो आई विल मेक यू श्योर कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट इसपे भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये भी है आसान, इसमें भी कुछ नहीं करना, आगे जितने सवाल हैं सब आसान है, यदि जिसमें पावर हो, ठीक है, या जिसमें मल्टीप्लाई में 2 या 3 दिए हो साइन कॉस, तो वहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी में सिंपल मेथड है।
देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 9 की बात करूं, क्या है समाकलन cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। चलिए इसको सॉल्व करना है। हाँ सर, इसको बताइए कैसे करेंगे। तो इसे करने के लिए चलिए ऊपर cos है, नीचे 1 प्लस cos है, तो यदि मैं इसको ऊपर ही बना लूं, यदि यहां पे साइन होता तो इसको मैं t मान लेता तो फट से मेरा काम हो जाता। अब ऊपर भी cos नीचे भी cos, तो आप लोग क्या करो, ऊपर एक जोड़ दो और एक घटा दो, ठीक है। नीचे क्या लिखा, 1 प्लस cos x इंटू dx। ये सर आपने क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि जो चीज नीचे है वही चीज मैं ऊपर बना रहा हूं, ठीक है, उससे हम लोग को फायदा हो जाएगा। यदि यहां पे cos की जगह साइन होता तो इस पूरे को मैं t मान लेता, फट से आंसर आ जाता। 7.1 के में क्वेश्चन ये वाला है। अब ऊपर भी cos है तो मैंने एक जोड़ा एक घटाया, इसको अलग अलग कर लीजिए। समाकलन इसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस का, इसको कर देंगे समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx, ठीक है। तो इस तरह के सवालों का तो यहां पे ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसके बाद हम लोग यहाँ क्या बचेगा, 1 इंटू dx माइनस इसके समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। अब इस 1 को हम लोग हटाना है तो इसको समाकलन फट से आपको मालूम है x का मान क्या हो जाएगा, इसका 1 अपॉन 1 प्लस, अब इस 1 को काटना है, ऐसे हम लोग cos को चेंज करें तो क्या साइन में cos में आना पड़ेगा, तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 1 इंटू dx। ये 1 1 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा समाकलन 1 इंटू dx माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx। ये तो बचा, ऊपर चला जाएगा, बाहर ले दीजिए तो 1 इंटू dx माइनस 1 बाय 2 बाहर, ये हो जाएगा समाकलन sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx का ये समाकलन। तो मान क्या हो जाएगा, x 1 बाय 2 sec स्क्वायर x, मैंने बताया था tan x बाय 2, तो x बाय 2 यहां पे आएगा और इसका अवकलन नीचे हो जाएगा और प्लस से क्या आ जाएगा c, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो x माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 tan x बाय 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस tan x बाय 2 प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 था, तो है बहुत आसान सवाल, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। बस यदि आपने एक बार इन क्वेश्चनों को आपने लगा लिया, यदि आपने दिमाग से लगा लिया, फेयर में कंप्लीट कर लिया, तो ये सवाल जब दोबारा लगाएंगे तब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग मैथ में जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हुआ करें, आप लोग को उन लोग को आप लोग सॉल्व किया करें, क्योंकि मैथ में आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से सारे ये क्वेश्चन नंबर 9 तक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 के आगे से आप लोगों को मैं क्वेश्चनों को बताऊंगा। इसके आगे वाले सवाल अच्छे सवाल है, थोड़ा सा बड़े सवाल है, लेकिन है अच्छे सवाल, उनको बहुत अच्छी विधि बताऊंगा आपको करने के लिए। तो जितने ज्यादा ज्यादा हो सके उन सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग आज से ही अपना पूरा एक प्रतिज्ञा बना लीजिए कि हम लोग को टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सभी को हम लोग को अच्छे से कंप्लीट करके कक्षा 12 मेन टारगेट है अभी आपका। अभी आप लोग को सिर्फ कुछ और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12 को फोकस कीजिए, क्योंकि बस 4 महीने हैं। इन 4 महीने आपने जिस तरह से आप लोग पढ़ाई करेंगे आपका परसेंटेज भी उसी तरह से बनेगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने या फिर शेड्यूल बनाने या फिर टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आती है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकता है या फिर कमेंट बॉक्स में ही बता सकता है कि सर मैं शेड्यूल कैसे बनाऊं, मैं पढ़ाई कैसे करूं, कई सारे जो भी उसके मन में डाउट है वो सारी चीज बता सकते हैं। मैं अखिल मिश्रा आपको लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हूं, ठीक है दोस्तों। तो मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए अखिल सर के साथ। जय श्री कृष्णा।